चित्तावस्था में दान की गई एक गौ, आतुरावस्था में दान की गई 100 गौ और मृत्युशैया पर पड़े हुए समय में 1000 गौ का जब दान किया जाता है और मृत्यु के उपरांत 1,00,000 गौ अगर परिजन दान करते हैं तो उस स्वस्थ चित्तावस्था में दान की गई एक गौ के दान का दोनों का बराबर महत्व है। तो इतना हमारे यहाँ गाय के लिए सब कुछ कहा गया है, गावो विश्व से मात्रा, गाय समस्त विश्व की माता है। कल महाराज जी सुना रहे थे, हमने तो पहले कभी गौर ही नहीं किया, शंकर जी के मंदिर में 4-5 देवता मिलेंगे, देवी जी के मंदिर में कुछ देवियां मिलेंगी, राम के दरबार में राम दरबार मिलेगा, लेकिन गाय के अंदर तो 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता है और गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जब सारे देवता गाय में आ गए, लक्ष्मी जी बच गई और गंगा मैया लेट आई, उन्होंने कहा अब तो गाय के शरीर में कोई स्थान बचा ही नहीं है, इनका गोबर है और गोमूत्र है, तो लक्ष्मी ने उस गोबर में वास बना लिया और गंगा जी ने गोमूत्र में अपना वास बना लिया। ऐसी है हमारी गाय की महिमा। लेकिन हम जब गाय का नाम लेते हैं तो देसी गौवंश, देसी गौवंश। महाराज जी कई दिन से वो सुला रहे, एक सांस में जाने कितनी जर्सी होलिस्टर और वो कौन कौन सी पेलिस्टिन क्या क्या सुनाते रहते हैं, एक सांस में हम नहीं बता सकते। वो जब देसी गाय, देसी गाय का मत बात है और गोवर्धन पूजा और ये सब तो बहुत कुछ आ गए। एक बार जब कृष्ण जी ने अंतिम दिन समय मर द्वारिका को समुद्र में डुबो दिया था, तब लोगों ने पूछा कि द्वारिका को तो तुम समुद्र में डुबो रहे हो, अब हमें कहां, हम ढूंढेंगे कहां मिलोगे। तब कृष्ण जी ने कहा था जहां गाय होगी वहां हमें पाओगे और हर युग में हमें पाओगे जहां गाय होगी। इसीलिए उनको गोपाल अभी कहा, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, जन्म लेने के बाद गोपाल ही गायों का पालन किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक और करेंगे बात कि आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक पूरा इंतजाम किया, व्यवस्था करी, हम तो दौड़ में ही लगे रहे, सारी व्यवस्था आप लोगों ने करी, विधिवत करी और जैसा भी व्यवस्था हो सकती थी हमारे महाराज जी और उनकी टीम और हमारे आलोक पंडित जी जो भागवत कथा कह रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से या ग्रामवासियों की तरफ से अगर किंचित मात्र भी कुछ कष्ट हुआ हो इंतजाम में, प्रबंध में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और कमियां रह जाती हैं लेकिन उनको नजरअंदाज करके जय श्री राम, जय कृष्ण, जय गोपाल, जय गौ माता।